बहुत मुबारक दिन मैं कह सकता साढ़े आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का आज जन्मदिन है बर्थडे है और सारे देशवासी उन्होंने सेहत लई उन्हां दी लंबी उम्र दे लई दुआ कर रहे हैं हमेशा क्योंकि वह बहुत अच्छे ढंग दे नाल आज देश को उन्हां तो बहुत बड़ी आस ला के बैठा सुप्रीमो साहब तो क्योंकि असीं देखते दिल्ली दे विच जो सन 2014 तो बाद मूवमेंट सरकार दी आई अज पंजाब दे विच साढ़े श्रीमान भगवंत मान जी जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने पंजाब दे वो परिवर्तित हुई पंजाब सरकार दे रूप और अज सारा चाहे गुजरात है चाहे हिमाचल है सारा देश जिहड़ा है आने वाले टाइम नूं क्योंकि ओपोजिशन अगर किसी नूं बीजेपी नूं अगर किसी का ओपोजिशन का पता है भी कित्थों मिलनी है और कित्थों सही काम हो रहे हैं जिहनू रोकण की भरपूर कोशिश की जा रही है लेकिन ये रथ रोकना भी रोकया भी नहीं रोकना सो अज असी उन्हां दी लंबी उम्र की दुआ करते हैं उन्हां दी सेहत की कामना करते हैं मेरे नाल सेहत मंत्री चेतन जोड़ माजरा जी जिहड़े कि हैल्थ मिनिस्ट्री देख रहे हैं मैं तो सोचता भी ब्लड कैंप जिहड़ा इन्हां ने उद्घाटन भी इन्हां को कराया क्योंकि इन्हां दा महकमा भी है और बड़ा बड़े बच्चे अज आप नौजवान आप अगे आए हैं अप प्रेरणा ना अरविंद जी दी क्योंकि सारे उन्होंने प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा और मैं साढ़े मैडम ने जो यूथ ने इन्होंने इंतजाम किया मैडम की ना पूरा अनु बब्बर जी सो साढ़े जिले के प्रधान भी नाल है तो सारी टीम जी बहुत अच्छा इतने उन्होंने उन्होंने लिए उन्होंने जज्बात के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप मैं कह सकता मुफ्त ऐलाना लैके प्रधानमंत्री को लगातार तंज कसे जा रहे हैं कि मुफ्त दियां रेहड़ियां जिहड़ियां बंडणियां बंद कीतियां जाण ताकि लोगों की भलाई हो सके देखो जदों तो प्रधानमंत्री जी यूपी जो सिलेंडर बढ़ते हैं तो उदों मुफ्त नहीं सके जदों को बीजेपी अगर इदा का काम करती है तो वह मुफ्त नहीं सी बट अगर अरविंद जी ने जरूरतमंद लोगों जिन्हों एक्चुअल जरूरत है 300-600 यूनिट दो महीने का किनू मिलता जोड़ा सब तो जमीनी स्तर का बंदा 600 यूनिट अपना गुजारा करता और उन्होंने एक जरूरत भी है इदा ही अज हेल्थ केयर के मुहला क्लीनिक जोड़े है जोड़े कि आम आदमी क्लीनिक के रूप से साढ़े मानयोग सेहत मंत्री ने उन्हों का देख रेख करनी और बहुत मैं कह सकता 2-2.5 महीने के बहुत अच्छा काम होया उन्होंने तुम ये देखो डॉक्टर की रखे गए नवी नवा स्टाफ रखा गया डॉक्टर्स भी रखे गए और बड़ी कामयाबी दे नाल उत्थे पावर बैकअप है उत्थे हरेक चीज़ अवेलेबल है दवाइया मेडिसिन कल मान साहब ने खुद लुधियाने दे विच कीता मोहाली का पहला उन्होंने विजिट किया तो ये असी लोग हाँ कोई रेट ये जरा मैं दसो एजुकेशन जी है वह भी हरेक आदमी तक पहुँचानी सरकार का फर्ज है तो गरीब तो तबके तक बिजली पहुँचानी इन मुफ्त रेवड़ियाँ प्रधानमंत्री जी अगर ये गल करते हैं तो मैं सोचता उन्होंने जरूर इतने एक बार दोबारा सोचना चाहिए अपने इस व्यक्तित्व से और द्वारा उन्होंने इस पर गल करनी चाहिए सामने आके सो बहुत बहुत चेतन जी तुम की कहना चाहोगे क्योंकि जिस तरीके सबका सेहत मंत्री की अगर गल करिए हले भी मीटिंग के आ रहे अगर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि उन्होंने जी रिकॉर्डिंग उन्होंने को है तो भावें हूँ उन्होंने जमानत मिली लेकिन हले मीटिंग हिस्सा सब तो पहले मैं जिहड़ा कल का जिहड़े असी सारे देश भर के लोगों ने 15 अगस्त मनाई है सारे आजादी दिवस दी बहुत बहुत मुबारकबाद और दूजा असी जिहड़ा अज इत्थे साडे सुप्रीमो साडे नायक अरविंद केजरीवाल जी उन्हां दे जन्मदिन ते दिन ते साडी सारी मोहाली टीम वालों आलू साहब है प्रजोत खड़े आ साडी अनु बेटी खड़ी आ शर्मा जी खड़े ने सारी टीम जसपाल सारे खड़े आ इन्हां ने एक उपराला करके ब्लड कैंप लाया सो सारे मुबारकबाद आ सारे और इहदे नाल ही तुसीं पुछिआ उह कमेटियां होंदियां उह च चाहे कांग्रेस है चाहे अकाली दल है जिहड़े भी MLA बने हुए ने उन्होंने कमेटियां च लैनी लैना होता है सो उत्थे कमेटियां च वो जा सकते हैं सो इस करके कोई यह जी गलबात नहीं है कोई असी किसी नाल जो जे मैं कोई गलत काम करदा तो मैनू भी बिल्कुल सज़ा जी मिलनी चाहिए सो इस करके ये कोई गल नहीं है भी वो क्यों आए कमेटियां च हर एक जिहड़ा MLA साहिबान है ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ
ਨਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾ ਕੁਛ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, असी उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारक दिंदे आ जन्मदिन के दिन ते। देश दे विच उह इक चंगी राजनीति लियाउण दा प्रतीक ने जिन्हां ने इमानदारी दे नाल दिल्ली बदली ते ऐसी लहर उठाई कि अज सरदार भगवंत मान जी दी पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार है। ते बहुत बहुत उन्हां नूं इस खुशी दे दिहाड़े ते परमात्मा उन्हां नूं तंदरुस्ती बख्शे, लंबियां उमरां बख्शे तां कि उह लंबे समय तक जिहड़े पूरे देश की सेवा निभा सकन। अज ब्लड नेशन कैंप लाया होया जी, तो सारे वर्करां दे विच जिहड़ी पूरी मोहाली टीम है साडी इस खुशी नूं जिहड़े सारे जणे सैलीब्रेट कर रहे ने ते लोकां ने अपना जिहड़ा ब्लड डोनेट कीता अज। मैम, 5 महीने सरकार नूं पूरे होए ने, तुसीं माइलस्टोन दे तौर ते किहड़े-किहड़े काम मानदे हो? देखो, 5 महीनियां दे विच सरकार ने जिहड़ा इक करप्शन नूं नत्थ पाई है, भ्रिष्टाचार है जिहड़ा पहलां नालों देखो एकदम सारा कुछ ठीक होंदे होंदे हुंदा, क्योंकि जिहड़ा 75 सालां दा पुराना सिस्टम सी बहुत ज़्यादा खराब सीगा। सो हौली हौली करके सारे काम जिहड़े निबेड़ रहे हैं, चाहे वह ट्रांसपोर्ट दे विच जिहड़े सुधार आए ने, सिक्ख्या दे विच जिहड़े सुधार करन दी कोशिश कीती जा रही है, ते अगे होर भी, क्योंकि हले शुरुआत है जी। शुरुआत दे विच सारा सिस्टम समझ के जिहड़े हर एक चीज़ नूं स्कूल ऑफ एमिनेंस आ जिहड़े अगे बनावांगे। ते इस तों इलावा जिहड़ा साडा सेहत दा डिपार्टमेंट है उहदे विच, चाहे असीं मुहल्ला क्लीनिक दी इक शुरुआत कीती है कल जिहड़े खोले ने, तो अगे यहो जे बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक इहनां दा देखांगे भी ठीक ठाक चल रहा सारा कुछ। तो हर एक खेत्र दे विच चाहे इमानदारी नाल काम करन दी गल होवे, जदों तुहाडी इच्छा शक्ति होवे तां जिहड़ा हर एक डिपार्टमेंट दे विच सुधार आउणे ही आउणे ने। थोड़ा जिहा समां होर देना पैणा तां कि जिहड़ा कि असीं प्रोपर रिजल्ट कढ के विखा सकीए, सारे सिस्टम नूं प्रोपर लूप च लै सकीए। मैम, वड्डे कई इतिहासिक स्थान ने जिवें चप्पड़ चिड़िया जां इत्थे कोई सैलानियां नूं इत्थे कोई होर खास थोड़ी मीटिंग होंदी है लगातार, कोई प्लानिंग कीती है? पूरी प्लानिंग है जी। टूरिज्म दे विच पंजाब नूं पैरां सिर खड़ा करन लई बहुत कुछ कीता जा सकदा है ते करांगे। हुण इक असीं टूर प्लैन करांगे पूरे पंजाब दा, जिहदे च हर एक जिन्नियां टूरिस्ट साडियां प्लेसिस ने, पुराने किले ने, साढ़े गुरु साहिबाना नाल रिलेटड किले ने, राजियां दे किले ने, असीं किस तरीके साढ़े वर्गा कल्चर, साढ़े पंजाब वर्गी विरासत, साढ़े पंजाब वर्गा पुराना इतिहास, मैनू लगता दुनिया च इन्ना कुछ किसे कोल नहीं, इन्ना वाइब्रेंट कल्चर, चाहे साडा गिद्धा भंगड़े की गल कर लीए, चाहे साडे हिस्टरी की गल कर लीए, चाहे साडे हैरीटेज की गल कर लीए। सो गल ये सी भी किसी ने उस चीज़ नूं दुनिया च दिखाया नहीं सी, उस चीज़ नूं असीं पूरा मुआयना करके जिहड़ियां टॉप प्लेसिस ने उन्हां नूं पूरी दुनिया के एडवरटाइज वधिया तरीके नाल करांगे। जे नाल लगदा साडे राजस्थान इन्नी तरक्की कर सकदा है, दुबई टूरिज्म दे सिर ते खड़ा हो सकदा, कैनेडा वर्गे कंट्री है जिहड़े टूरिज्म सिरों खड़े ने, ते जे हिम्मत होवे ते इरादा होवे ते पंजाब वर्गा जे इत्थे विकास करन ते आ जाइए, पंजाब नूं इक टूरिज्म सिरों एक नवी नुहार, नवी चहल पहल की जा सकती है, तो बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़े बाहरों सैलानी ने आकर्षित किए जा सकते हैं, तो नौजवान ने जिहड़े साढ़े, मेरे ख्याल जे टूरिज्म डिवेलप हुंदा ते माहौल भी बदलदा, इत्थे रहना पसंद भी करनगे। मैम, चप्पड़चिड़ी दी धरती बड़ी इतिहासिक धरती है जी, उत्थे हुण तक कोई भी सड़क नहीं नसीब हुई उत्थे जाण लई, फतेहपुर जाण लई लोक बहुत उत्थे लोकां ने विरोध भी कीता, रौला भी पाया, हुण आस कर सकदे ने भी तुहाडे कोल महकमा भी हैगा भी शायद तुसीं उस वल ध्यान दोगे, कोई एजेंडे ते है जी? बिल्कुल, तुसीं इस चीज़ बनी गौर भी फरमाया, मेरे घर तों थोड़ी दूर है जी चप्पड़चिड़ी, ते डेफिनेटली जिहड़ियां भी साडियां जिन्नियां इतिहासिक जगावां ने जां जिन्ने साडे टूरिस्ट खिचदे केंद्र होणगे जां साडे महत्ता रखदे ने, उन्हां जगावां दे विच नैटवर्किंग तो लैके उत्थे जिहड़ा सड़कां दा जाला उह प्रॉपर बुणिया जाऊगा तां कि सैलानियां नूं दिक्कत ना आवे, क्योंकि सड़कां ते प्रॉपर सहूलतां होणियां उत्थे बहुत जरूरी ने, तां ही जिहड़े लोक आराम नाल आ जा सकदे आ। बिल्कुल, उस चीज़ उत्ते असीं काम कर रहे हां। पहलां भी जिहड़ा उहनूं जिहड़ा सड़क नूं लैके जिहड़ा ऐलान कीता गया सी नवजोत सिंह सिद्धू कोले महकमा सी, उहनां ने कहा सी मैं किसी हफ्ते बाद जिहड़ी सड़क जिहड़ी बना दूंगा, पर 5 साल उहनां दे इस तरह ही निकल गए, मतलब दुबारा सड़क जिहड़ी आ सड़क नहीं सी। देखो, पुरानी सरकार का की सिस्टम सी ये तुसीं सारे जानते हो, मैनू दसण दी ते लोड़ नहीं, हाथ च उन्हां दे बहुत कुछ सीगा, ते 75 साल पिछले 5 साल कांग्रेस नूं लोकां ने दोबारा दिते, पर उन्हां ने इन्ना क ज़्यादा हथ खड़े किए ते काम नहीं किया कि अज जिहड़ा पंजाब दे विच हालात ने वह साढ़े सामने ने, ते सारा कुछ वो करांगे जी। जिन्नियां सड़कां दी लोड़ है, आम आदमी पार्टी सड़कां नूं
जिहड़े असीं सारे प्रपोजल बना के भेज दिते आ। मान साहब की भी ये चीज़ पूरी मीटिंग्स दे विच कही जा रही है कि सड़कां नूं होर जिहड़ी चौड़ाई वधाई जावे ते प्रॉपर जिहड़ियां हाईवे रोड्स ने कढ़ियां जाण, सारा कुछ करांगे। बस मैं पंजाब नूं ये कहिंदी आ वी साथ दिओ, टाइम देना पैना, नीत तुहाडे बच्चे आ, तुहाडे घरां 'च उठ के ही विधानसभा दे विच जाके तुसीं कैबिनेट 'च बिठाया काम करांगे, पर टाइम दिओ। जे फिर भी रिजल्ट नहीं निकलता तो तुहाडा जो हुक्म होगा सिर मत्थे। इस साइड देखना जी, इस साइड बाहर कर लो सर।